अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी रूटीन बनी हुई है, 6 बजे ना कुदरती आँख खुल जाती है। रात को गपशप में तकरीबन 2-2.5 बजे हम सोए हैं और सुबह 6 बजे आँख मेरी खुल गई थी। 12:13 आपको सारे मेल दिखाते हैं, 8, 10, 12, 14, 16 जो भी मेल हैं आपको जो सबसे अच्छा मेल लगेगा आप उससे मेट करवाओ। ये आ गया हमजा। किधर गया बाइक? बाइक 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 आ रहा है। कितने टाइम में? 5-10 मिनट। 1 बज गया है। मुझे रात को कहते हैं सो जाओ, सुबह 6 बजे उठना है और खुद नवाब ज़्यादा 10 बजे उठ के आया है। पूरे 2 बज गए और अभी हम घर से निकल रहे हैं मेल देखने के लिए। सबसे पहले गांव की एक छोटी सी एजेंसी से पेट्रोल डलवाया है। ये हमजा भाई के भाई हैं। अच्छा, अभी हम पहुँचे हैं 15 चक में और ये वाला डॉग देख रहे हैं, लग ऐसे रहा जैसे बुली गुलटेर क्रॉस में हो, लेकिन भाई कह रहे हैं कि बुली गुलटेर नहीं है, सिर्फ गुलटेर है। एक कान गिरा हुआ लग रहा है, लेकिन वो फाइट में कहीं इसका कान टूट गया तो उसमें गिर गया। सर यहाँ पे गायें भैंसे रखी हुई और वो सामने सील चूजे। इधर आपको तकरीबन हर घर में मुर्गे, कुत्ते और कबूतर जरूर मिलेंगे। वो साइड पे ट्यूबवेल चल रहा है, छोटी सी नहर सी बनी हुई है, इसके बीच में से पानी जा रहा है। जानवर साथ ही बांधी हुई है, हर टाइम पानी भी पी सकते हैं। एक असील मुर्गा इधर भेजा जावा, जैसी हमारी ग्लॉक है ये बिल्कुल वैसी है, लेकिन हाइट में थोड़ी ज़्यादा है और मोटी है कम है। हमारी वाली भारी है कुत्ती थोड़ी सी। इसकी फेस क्वालिटी उससे थोड़ी नॉर्मल है, इसका फेस पतला है, हमारी वाली का बहुत मोटा है। ये पॉइंटर आ गया, इधर है ये पॉइंटर है। ये काटते नहीं है, ये सिर्फ तितर बटेर पकड़ते हैं, वो वाले काटते हैं। देखिए सारे दरख्तों के साथ गाय भैंसे बांधी हुई, कितना प्यारा माहौल बनाया हुआ है और गाय भैंसों के आगे पानी गुजर है। ये देखें, इनके लिए तो गर्मी है ही नहीं, पाँव किसमें पानी में रखे हुए हैं। जब प्यास लगेगी आगे से ठंडा पानी पी लेंगी, जब प्यास लगेगी आगे से ठंडा पानी पी लेंगी। मज़े हैं काटने की जगह में। ओ मेरे से डर ही है। ये देखिए रुई की फसल है, पहली दफ़ा मैं लाइफ में देख रहा हूँ ये रुई बन रही है। उन तकिए वगैरह बनते हैं, बिस्तरा बनता है और यहाँ पर ट्यूबवेल चल रहा है। ट्यूबवेल में से ठंडा ठंडा यख पानी। लाइफ में मैं तकरीबन पहली दफ़ा ये ट्यूबवेल नहीं बल्कि सेकेंड दफ़ा देख रहा हूँ। हमारे गांव में एक ट्यूबवेल है, लेकिन इस तरह नदी वाला सिस्टम, इस तरह सामने जानवर हों, सामने पानी पी रहे हों, पहली दफ़ा देख रहा हूँ। ठंडा ठंडा पानी पीते हैं। गांव की गाड़ी, गधा गाड़ी, और सारे का सारा पानी बिल्कुल साफ शफाफ ठंडा यख। कितना साफ है ये देखें। अभी सही पोजीशन में आइए, बाइक पे वापस जा रहे हैं। यहाँ पे मोरों का पेयर मिला है, फीमेल बिल्कुल वाइट है और मेल ब्लू है। ये देखें मेल और फीमेल। यहाँ पे भी ट्यूबवेल वाला गिविंग है, एक ट्यूबवेल। ये ट्यूबवेल ही है, क्या है? सरकारी पानी है, ट्यूबवेल। और ये चावल की फसल, जी मुंजी की फसल, आधी कच्ची आधी पकी। एक मेल वो बैठा हुआ है, वो है पिंक नोज में, फुल वाइट है, लेकिन कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के लिए रखा हुआ है, बहुत सख्त है, अग्रेसिव है, तो इसलिए ना करीब जा रहे हैं ना उसको बुला रहे हैं। पहले यहाँ तक आया था, ये यहाँ तक आया था, फिर वापस भेज दिया। मैं तो खैर इतना नहीं डर रहा था, भाई जो साथ हैं वो ज़्यादा डर रहे थे, क्योंकि अगर मालिक साथ खड़ा हुआ ना फिर कुत्ता अग्रेसिव नहीं होता। और मालिक ये साथ बाबा जी खड़े हुए हैं, अभी बाबा जी के साथ जा रहे हैं, मेल को बाबा जी बुला रहे हैं और उस मेल की अभी वीडियो बनाने के लिए। इसका नाम भी मोती है। नहीं क्या था, कुछ नहीं है। गांव का ये छपरा है, चाचू ने नीचे अपनी चारपाई भी रखी हुई है, गाय भी बांधी हुई है, साथ शौक भी कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए भी रखा हुआ है। माल्टों का बाग, छोटी छोटी माल्टियां लगी हुई है। राइट लेफ्ट खुले डेरे हैं, कोई चार दीवारी वगैरह नहीं है, कोई कुछ नहीं है और जानवर वगैरह बाहर बांधे हुए हैं। आगे से बहुत बड़ी गाड़ी आ रही है, बच के और फीमेल है, देखना जी ये आई आई ना। माल्टो का बाग, इसमें चक डालने क्या करना है? नहीं डालता जी, नहीं डालता नहीं है। कौन सा बाल भी है और अजीब सी शेप है। ये पैसों वाले के साथ दोनों कुत्ते। अभी हम आए हैं यारा चक बलोचा आला, इलाके का नाम होगा, मुझे तो इतना ख़ास नहीं पता,
और यहाँ पर एक है बुली कुत्ता। और डेरे पर पहुँच के पता चला है कि ये तकरीबन कितने दाड़े पहले बैठा है, तकरीबन सर जी हफ्ता हो गया, हफ्ता पहले लड़ के आया और थोड़ा सा बीमार हुआ है। करीब जाके देखते हैं जरा क्या सीन है। बला है, पूरी बला। मन लगता आसमान दे ही नेड़े आंदा होना जी, लड़दा पे ये मेहनत सारा के होने बात हो दे। बीमार है, बड़ा सख्त बीमार है, पर सुबह तल लवाई रखी होया कि उस पता नहीं लगया क्या लग गया है। अर्ली साइड सारी जख्म, इस साइड पे ज्यादा जख्म हुई है, सोई से परेशान है ना, परेशान है, टेंशन ले गए, खांदा पींदे कोई नहीं। ओए होए, रखवाली रखवाली भी करता है कोई नहीं, बंदे रे जानदा है, जानदा है बंदे दा बैरी है पूंजा दिया सस्ता नहीं जानदे बोलिए। ए 70 मैंने रात ही कर दी, रात ही जानी रात ही है, बहुत 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 बला चीज है, लेकिन सिर्फ बीमार हुआ है। इस डेरे पर भी जानवर हैं, उस डेरे पर भी जानवर हैं, उस डेरे पर भी जानवर हैं और इस डेरे पर भी जानवर हैं। इधर हर डेरे पर ना आपको जानवर ही जानवर मिलेंगे, जानवर ज़्यादातर गांवों में मतलब देहातों में इनका पेशा ही क्या होता है, सिर्फ जानवर पालना, भेड़ बकरियां, गाय भैंस बैल, बस यही कुछ होता है। और साथ मुर्गे रख लिए, कुत्ते रख लिए, अपना शौक शिकार किया। माशाल्लाह बकरी भी खूबसूरत है, लेकिन बकरी के थन देखे ज़मीन साथ लग रहे हैं। कितने किलो दूध देती है? मेरे ख्याल में आप ही पूरा दिन चुवाई करने थे। मेरे नाले दो किलो दूध देती है। अभी मुस्तफ़ा भाई के दोस्त के डेरे पर आए हैं और वही वो बुली कुत्ता बैठा हुआ है। जहाँ पर कोल्ड ड्रिंक आई है, अब कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। और किधर किधर कुत्ते देखाने, अभी 13 चाक राजा जा रहे हैं, 13 चाक राजो की तरफ को जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने भी जाना है, खान मामले जाना है, आगे जाना है, मिश्रा वाला है लोग, अगे पिंड है, गाँव वाला फिर बड़ा वाड़ा है, तकरीबन कोई हजारां सैकड़े गांव रखे हैं उत्थे भी जाना है। चलो ते भाई कह रहे हैं तुसी कल सुबह सवेरे ऐसा कोल आ जाओ, असी तुसा की पिंड घुमा सा फिर आसा, ते जेड़ा तुसी वीडियो बनानी वो भी बनाया, ते शौक शिकार भी कर लियो। फिलहाल ते बोतल पीने है। अभी हम आए हैं 13 चक में और मेरे से सामने चीज खड़ी हुई है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा था कि आपको भी जल्दी जल्दी दिखाऊं। भाई की हाइट भी मेरी तरह काफ़ी ऊंची हाइट है और भाई की हाइट में किधर जा रहा है डॉग। ये देखें, ये प्योर बुली, पैंदा पुंदा भी है कोई नहीं, लड़ दे। वीडियो में ये आपको छोटा नज़र आ रहा है, छोटा नहीं है, बहुत ही ऊंची चीज़ है, बहुत ही ऊंची है। ना के रखे हुए ने हिटलर, ये नाम भी बड़ा VIP रखा है हिटलर। अभी ये जो आपको डॉग दिखाया था ना, इसी के मालिक ने एक और सफेद कलर का कुत्ता रखा हुआ है, वो बुली है, वो लड़ाते हैं। ये लोग कह रहे हैं कश्मीर पिंडी में पंजाब लेवल के मतलब कुत्ते हैं, उस लेवल में ये लड़ाते हैं। ओए होए 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 माशाल्लाह। ये पहनता है कि नहीं? पहनता नहीं है, मेरे हथरों की ला जा। बोली देखा था एक आपने, वो गए थे मुदसर भाई के गांव में, लेकिन वो और चीज़ थी, ये और चीज़ है। ये मेरे हाथ में, ये देखे खुद पकड़ा हुआ है, और ये डॉग है, आंखें देखिए इसकी, वो भाई को लेके जा रहा है, जोर बहुत है। इसको वापस घर में लेके जाते तो हमारे लोग की तरह कहता है नहीं, पहले चलाओ फिर आओ फिर मैं घर जाऊंगा। पिछले वाला डॉग भी ऐसे ही कर रहा था, अभी आ रहा है, चला फिर आके लेके आए ना तो अभी खुश हो गया। ये राइट साइड पे सारा माल्टो का बाग है और ये यहाँ पर माल्टो का बाग है, ये फिर माल्टे का बाग आ गया। सरगोधे के माल्टे वैसे भी मशहूर हैं, ये साग लगा हुआ है, उधर लूसन बीज रहे हैं, वो यहाँ पर दोबारा पानी गुजर रहा है, ट्यूबवेल वो सामने चल रहा है। हाँ ये केले का दरख्त है, लेकिन अभी तक केले लगे हुए नहीं है। मैंने कहा चलो हाथ मुंह धो लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं, और वो उस साइड पे जानवर रखे हुए हैं। माल मवेशी के लिए जगह बहुत प्यारी है, ठंडी ठंडी जगह है गर्मियों के लिए। और ये देखिए साफ सुथरा पानी है, ये पीने का पानी वहाँ से, तो ये पीने वाला नहीं है,
पीने वाला क्यों नहीं है? जो बहुत खाल में आ रहा है। ये लूसन का बीज है 2000 रुपये किलो। और कुतरे वाली मशीन भी पड़ी हुई है डीजल वाली जो हमारे डेरे पर है, और वो पीछे जानवर बांधे हुए हैं। इलाका बड़ा प्यारा है यार, खूबसूरत इलाका है। इस वाले पानी से, खाल वाले पानी से मुँह धो लिए, थोड़े से फ्रेश हो गए। बाइक पर सफ़र कर रहे हैं तो इसलिए गर्दों को बाहर बड़ा ज़्यादा लग रहा है। और अभी सामने काठा कुत्ता है, लेकिन प्रिंट बहुत प्यारा है कुत्ते का, बहुत प्यारा। अभी तक पट है, मतलब जवान, जवानी की तरफ जा रहा है बच्चा। पहनते कोई नहीं पहनते, कितनी उम्र दे? साल है, वही पट है, अभी प्यार हो रहा है। बहुत प्यारी चीज है। फाइनली हम घर वापस पहुंच गए हैं, और अभी ना जिस डॉग को हम पिंडी से देख कर आए थे ना, ब्राउन वाला, उसकी तरफ जाने लगे हैं। उसे मेट करवाएंगे फीमेल, फिर वक्त घर में खाना खाने लगे हैं। सुबह से फीमेल तो मैंने आपको दिखाई नहीं है। फीमेल को सेकंड फ्लोर पे घर की छत पे बांध दिया था, और हम पूरा दिन बाहर घूमते फिरते रहे। अभी फीमेल को खोलने लगा हूँ और उधर ही लेके जाने लगा हूँ जिधर इसको मेट करवाने। जंप नहीं, जंप नहीं, जंप नहीं। अच्छा, फाइनली हम डेरे पहुँच गए। यहाँ पर आते साथ तो कुत्तों की बम्बार लग गई है, भौंकने लग गया बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल में वो 3-4 हैं। इसकी किस्मत में यही वाला मेल था, और आखिर भी इसी मेल के साथ मेट हुई है। ये वो वाली फीमेल है जो कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रही थी। मैं कह रहा था हमारी फीमेल छोटी है, लेकिन जिससे भी ज़्यादा छोटी है। देखिए, जिस मेल से हमने अपनी फीमेल मेट करवाई है ना, ये उसकी माँ है। छोटी सी है। नहीं, ये ना साल से और कुत्ते थी ये बच्ची। ये लादा है थोड़ी सी लादा। जो तो मेरी फेवरेट चीज़ है ना, वो ये छोटे छोटे से कान हो बस। ये देखें, फीमेल मेट हो गई है। अभी हम घर जा रहे हैं, फीमेल बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, घर जाके मुलाकात करेंगे। अच्छा, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर फिर से घर पहुँचे हैं, और फीमेल को बर्बान दिए, खाना वगैरह उसको खिला दिए, डाइट वगैरह उसको डाल दिए, और फीमेल एक दफ़ा हमने उस मेल के साथ मेट करवा लिया। बाकी कल की रूटीन क्या होती है, कल जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी उम्मीद है कि इंशाल्लाह दोबारा से गुलटे डॉग्स वगैरह देखने जाएंगे जो इस बलवाल इलाके के अंदर है। वही हमजा भाई के साथ, हमजा भाई के भाई के साथ हम जाएंगे, अपना शो भी पूरा करेंगे और साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। बाकी जो दोस्त भाई हमारे इस यूट्यूब चैनल मिनी ज़ू पर नए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने पेट्स का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और दूसरी बात, आप लोगों ने ये ज़रूर बताना है कि आपको मेल कैसा लगा है जिस मेल से हमने अपनी फीमेल को मेट करवाया है।